मास्टर भी कहवे इसे ना पढ़ाना, नाम है इसका अमित भड़ाना। ये कुछ ऐसे डायलॉग थे जिसने अमित भड़ाना को यूट्यूब की दुनिया में रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो भारत में सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने वाला यूट्यूबर आज पॉपुलर यूट्यूबर्स की लिस्ट से ही गायब है। ये कहानी शुरू होती है 5 सितंबर 2016 को, जब रिलायंस ने भारत में जियो लॉन्च करके भारत में इंटरनेट की क्रांति ला दी थी। और इसी क्रांति का फायदा सबसे पहले उठाया टेक्निकल गुरुजी ने। इन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था माई यूट्यूब अर्निंग रिवील्ड, जिसके बाद से भारत के आधी पॉपुलेशन को ये बात पता चली कि यूट्यूब के जरिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं। और इसी वीडियो को देख भारत में कई नए क्रिएटर्स यूट्यूब पर जुड़ने लगे, जिनमें शामिल थे भुवन बम, अमित भड़ाना और एल्विश यादव। जहां भुवन ने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स की मदद से अपनी एक अलग ऑडियंस इकट्ठा की, वहीं अमित ने अपने देसी कॉमेडी को अपनी यूएसपी की तरह पेश किया। जहां दूसरे यूट्यूबर समय के साथ अपनी ऑडियंस को नया क्वालिटी कंटेंट देने पर फोकस करने लग रहे थे, वहीं अमित ने अपनी देसी कॉमेडी को ही आगे बढ़ाया, जिसका फायदा अमित को शुरुआती दिनों में तो बहुत हुआ, क्योंकि नई चीजें ट्राई करते दूसरे यूट्यूबर्स क्वालिटी के चक्कर में वीडियोस की क्वांटिटी कम करने लगे। और वहीं अमित हर दूसरे दिन अपनी किसी न किसी देसी कॉमेडी की वीडियो को लेकर YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन में दिखाई देते थे। और यही लालच की भूख अमित के YouTube करियर का टर्निंग पॉइंट भी बना, जहां भुवन अमित से 3 गुना कम वीडियोस अपलोड करके भी YouTube के किंग के रूप में उभर रहे थे और लगातार सब्सक्राइबर गेन करते जा रहे थे, वहीं अमित के सब्सक्राइबर उनसे कई गुना कम थे। और यही शुरुआत होती है भारत के पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब की रेस, जिसमें भिड़ंत थी भुवन और अमित की, जहां अमित कुछ सेकंड्स के मार्जिन से ये भिड़ंत जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने कंटेंट पर कोई चेंज न करके वो अपनी पॉपुलैरिटी को लगातार खोते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भुवन का मोटिव न सिर्फ नई ऑडियंस गेन करना था, बल्कि वो लगातार अपनी लॉयल ऑडियंस को नया कंटेंट देकर उनका दिल जीतने में लगे थे। जहां भुवन की डिंडोरा सीरीज के पहले एपिसोड पर 64 मिलियन व्यूज हैं, वहीं अमित के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हुए भी उनकी मूवी पगल पर सिर्फ 12 मिलियन व्यूज है। और अमित की सब्सक्राइबर की भूख और टाइम के साथ चेंज न होना ही कारण है कि आज उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती जा रही है और लोग अमित को दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।